दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बढ़िया सी फिश आलू करी की रेसिपी जो कि मैं आज रोहू फिश के साथ बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है ये करी जब इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। परफेक्ट फिश करी कैसे बनेगी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और पूरा मेथड को फॉलो कीजिए और अपने घर में ये फिश करी जरूर से बनाइए। एक बार अगर बना लेंगे ना इसे बार बार आप जरूर से बनाना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल में जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रोहू फिश जो कि 350 ग्राम है। इसे अच्छे से मैंने धो के साफ कर लिया है। इसे भी मैरिनेट करेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्ची और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल के साथ। इससे क्या होगा ना, फिश में इसका स्वाद चला जाएगा और बहुत ही अच्छी लगेगी जब हम इसे फ्राई करके करी बनाएंगे। तो अच्छे से हमें हाथों से मसल कर इसे मैरिनेट कर लेना है और इसे अभी हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अभी चलिए मसाला देख लेते हैं। यहाँ पर एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया, साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे छोटा चम्मच जीरा, साथ ही 1 इंच का अदरक साथ में जाएगा, 8 से 10 कलियाँ लहसुन और 1 बड़ा प्याज ऐसे काट कर और हरी मिर्ची। इससे थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर हमारा मसाला पेस्ट एकदम रेडी है करी के लिए। यहाँ पर लिया है 2 आलू ऐसे लंबा लंबा काट कर, साथ ही लिया है 2 टमाटर काट कर और हरी मिर्ची। यहाँ पर हमारी जो फिश है ना एकदम अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, इसे अभी हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में अच्छे से मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है। अच्छे से गरम करके ही फिश को फ्राई कीजिएगा, नहीं तो एकदम मछली चिपक जाएगी अपने कढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए हमको फिश को ऐसे उलट पुलट करके अच्छे से हमें लाल लाल करके फ्राई करना, इस करी के लिए हमें फिश को अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए फिश को ऐसे ही हमें फ्राई कर लेना है। फिश सारे ऐसे फ्राई हो चुके हैं, ऐसे ही आप ज़रूर से इस करी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर देखिए फिश हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे अभी हम निकाल लेंगे। इस यहाँ पर आप चाहे तो रोहू के जगह यहाँ पर आप कोई भी फिश यूज़ कर सकते, यानी कि कातला माछ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। यहाँ पर पहले से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। इसके साथ दालचीनी थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा मैंने तेज़पत्ता और थोड़ा सा कलौंजी डाला है। इसके साथ मैंने आलू को छोंक दिया है। इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है करी के लिए। यहाँ पर हम डायरेक्टली करी ही बनाएंगे। यहाँ पर आलू यहाँ पर नरम हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही डाल दिया है टमाटर जो हमने काट के रखा था और साथ में डाल देंगे अपना जो मसाला पेस्ट। इसे अभी अच्छे से हमें भूनना है। यहाँ पर कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, अच्छे से हमें भून लेना है ताकि ये मसाला एकदम ड्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारा मसाला जो है एकदम ड्राई हो चुका है। अभी इसी स्टेज में हम ऐड करेंगे गरम पानी ग्रेवी के लिए। यहाँ पर देखिए फिश करी है इसीलिए थोड़ा पानी ज़्यादा ही डालेंगे और आलू को भी इसमें पकना है। यहाँ पर इसे ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए 10 से 12 मिनट के बाद यहाँ पर हमारे आलू जो है एकदम अच्छे से पक चुका है। अभी इसी स्टेज में ऐड कर लेंगे अपना फिश और 5 से 6 मिनट इसे कवर करके हम पकाएंगे। तो फिश डालने के बाद इसके ऊपर से हम डाल देंगे हरी मिर्ची और इसे अभी कवर करके हम पकाएंगे। यहाँ पर देखिए एकदम अच्छे से पक चुकी है, फिश भी पक चुकी है, आलू भी पक चुकी है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। ऊपर से डालेंगे धनिया का पत्ता। इस करी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ और मज़ा उठाते हैं।